हिमाचल प्रदेश टॉप सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर ड्राइंग मास्टर का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। तो ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट जो कि हेल्ड हुआ था, यानी हुआ था वो 8/10/2022 को, यह जो टेस्ट था हुआ था। इसमें जो टोटल पोस्ट थी 314 पोस्ट थी, और क्या रिजल्ट में खास है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एचपी के अलर्ट्स में, ताकि आपको हर जॉब की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जितनी भी जो नोटिफिकेशन रहती है हिमाचल प्रदेश में, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब रहती है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इस चैनल के थ्रू जो है रिजॉल्व की जाती हैं। तो आपका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करते हैं इस ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड के रिजल्ट की। तो ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 का ये रिजल्ट आया है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 314 पोस्ट थी, और इसमें जर्नल की जो पोस्ट थी वो 119 पोस्ट थी, और ईडब्ल्यूएस की 45 पोस्ट, और जर्नल वार फ्रीडम फाइटर की 5 पोस्ट, और ओबीसी अनरिजर्व्ड की जो पोस्टें थी वो 47, और ओबीसी बीपीएल की 7, और ओबीसी वार फ्रीडम फाइटर की 1, और एससी की 63, एससी की ज़्यादा, और एससी बीपीएल की 14 पोस्टें, और एसटी अनरिजर्व की 10 पोस्टें इसमें थी। तो बात करते हैं क्या इसकी कट ऑफ रहेगी। मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे आप वीडियो सेक्शन पे आप देखेंगे हाल ही में वो वीडियो जो है हमने पब्लिश की है, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और बात करते हैं इस रिजल्ट की, ये कैसा रिजल्ट है। तो इसमें आपके जो टोटल कैंडिडेट थे, मैंने बताया था आपको जो टोटल कैंडिडेट जो थे, जो मैंने आपके पास जो डाटा दिया था, इसमें जो टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने इस टेस्ट को भरा था, मैंने पहले बताया था कि जो टेस्ट भरा गया था उससे कुछ ही कैंडिडेट कम होंगे। तो आप देख सकते हैं 7502 सॉरी जितनी भी एप्लीकेशन दी थी जो इसमें रिसीव्ड हुई हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, तो 8721 जो एप्लीकेशन थी जो सबमिट हुई, और उसके बाद जो एडमिट कार्ड जो निकाले गए उसमें 7502 एप्लीकेंट जो थे उनके एडमिट कार्ड निकाले गए, और टेस्ट में अपीयर हुए जितने कैंडिडेट थे वो 6000 ही रहे, और 6317 में से जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। 6000 में से कितने कैंडिडेट लिए गए हैं, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट लिए गए हैं, यानी एक पोस्ट में या इसमें जो है एक पोस्ट में जो है इसमें जो है थ्री पॉइंट टेन इसका जो निकला है जितना भी टोटल किया हमने पोस्ट को लेकर, और जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं इसमें स्क्रीनिंग जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको मैंने वीडियो बना के रखी थी कि जो लाइनमैन और एसएसए में जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसके लिए जितनी भी हेल्प हो सकी जो हमारी वीडियो से वो हम आपकी की गई, और डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त जितनी भी चीज़ें थी जहाँ सभी को कन्फ्यूज़न हो रहा था उससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने बना रखी है लाइनमैन और एसएसए की, और डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हुई लोगों की, और कमेंट मैंने पढ़े, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगी वो सिमिलर ही रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, और जितनी भी अभी आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन का जो नंबर है वो अब नहीं जुड़ते हैं, और जो टोटल कैंडिडेट आपके लिए गए इसमें जो है टोटल कैंडिडेट 900 यानी आपके टोटल कैंडिडेट जो है अभी मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल कैंडिडेट हैं आपके 971 कैंडिडेट लिए गए, और डॉक्यूमेंटेशन की जो डेट है वो कितनी है और किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना है, 16 से लेकर 22 दिसंबर की यह डेट रखी गई है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आपको पता ही है कि लाइनमैन और एसएससी के लिए जिस तरह से सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन उनकी हुई जो ऐसे जो डेट्स थी, आपको किस डेट पे जाना है इसका आपको एक लेटर आएगा घर पर। अगर लेटर नहीं आएगा तो आपको क्या होगा कि आपको मेल आएगा, आपकी जो भी आपने रजिस्टर किया है जिस पे भी अकाउंट उस पे आपको मेल आएगा कि आपको वो स्पेसिफाइड डेट बताई जाएगी कि आपको वहाँ अपियर किस डेट पे होना है, और जो स्क्रीन जो इसमें जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं सिलेक्ट हुए हैं उसकी भी डेट आपको जो है शेड्यूल में मिलेगी, और शेड्यूल में आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां आपका नाम भी होगा रोल नंबर भी होगा, और ये जो रोल नंबर है वो कैटेगराइज किए गए हैं जिस तरह से आपके सेंटर थे उस हिसाब से ये जो रोल नंबर हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जो मेरे नंबर कम हैं तो मेरी डेट जो है वो लेट आई, सभी के नंबर नहीं बताए जाएंगे, तभी बताए जाएंगे जब इसका लास्ट में रिजल्ट आएगा। तो आपको सभी को पता ही होगा कि
16 से 22 दिसंबर की यह डेट बताई गई है, और 16 से 22 दिसंबर के बीच की जितनी भी डेटें होगी तब आपको अपियर होना होगा हमीरपुर बोर्ड में, और जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो आपको फिल करनी होगी, और आपको जितने डॉक्यूमेंट होंगे उसका आपको सबसे पहले जो है हमारे चैनल के थ्रू जो है वो लेटर आपको बताया जाएगा कि वो कौन सा लेटर है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, आपकी जितनी भी हेल्प होती है दोस्तों, अगर आपको नॉलेज भी नहीं लगती है, जो आप मेरी जो मोटिव है वो आपकी हेल्प करना है, और अगर हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़िए ताकि आपको हमारे चैनल की हर एक नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके और आपको जो है सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।